नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्नेहंकुर देशिंग पे। आज हम देखने वाले हैं शीत ऋतु पर बहुत ही सुंदर निबंध। भारत एक ऋतुओं का देश है। भारत में शीत ऋतु का समय नवंबर मास से लेकर फरवरी मास तक होता है। शीत ऋतु सर्दी के मौसम को कहा जाता है। सूर्य की गर्मी सभी लोगों को शीत ऋतु में बहुत प्रिय लगती है। सर्दी से बचने के लिए बहुत से लोग आग का भी आनंद लेते हैं। शीत ऋतु में वातावरण का तापमान बहुत कम हो जाता है। तेज गति से हवाएं चलने लगती है। दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती है। हमें सर्दी से बचने के लिए बहुत से गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। सर्दियों के दौरान पहाड़ी क्षेत्र बर्फ की चादर से ढके बहुत ही सुंदर दिखने लगते हैं। यह मौसम लंबी यात्रा और पर्यटन करने के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है। शीत ऋतु का मौसम गर्म भोजन, फल, मिठाइयाँ और स्वादिष्ट व्यंजनों का मौसम होता है। इस मौसम में चाय और कॉफी अधिक पी जाती है। सर्दियों का मौसम किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस मौसम में खेती शानदार होती है। शीत ऋतु गरीबों के लिए बहुत अधिक परेशानियों का निर्माण करती है, क्योंकि उनके पास गर्म कपड़े और रहने के लिए पर्याप्त आवासों का अभाव होता है। शीत ऋतु ज़्यादातर गरीब लोगों के लिए बहुत ही कष्टदायी होती है। सर्दी में कोहरे के कारण बहुत से एक्सीडेंट भी होते हैं, जिससे मृत्यु दर में वृद्धि होती है। इस मौसम में बंद गोभी, सेम, मटर, फूलगोभी, आलू, मूली, गाजर, टमाटर, लौकी आदि सभी सब्जियां बहुत मिलती है। शीत ऋतु के मौसम में गेंदा, गुलदाउदी, सूरजमुखी, गुलाब और डहेलिया आदि खूबसूरत फूलों की सुंदर छटा देखने को मिलती है। शीत ऋतु में ही स्वास्थ्यवर्धक और पसंदीदा फलों जैसे संतरा, अमरूद, चीकू, पपीता, आंवला, गाजर, अंगूर आदि को देखा जाता है। बहुत से त्यौहार भी सर्दी के मौसम में ही आते हैं, जैसे दिवाली, मकर संक्रांति, क्रिसमस, गणतंत्र दिन, बसंत पंचमी। शीत ऋतु हमें जीवन के संघर्षों का सामना करने की प्रेरणा देती है। जिस तरह से शीत ऋतु के जाने के बाद हमें बसंत का आनंद मिलता है, उसी तरह जीवन में संघर्ष करने के बाद हमें सफलता का आनंद मिलता है।